एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स चैप्टर फर्स्ट हनी सगल का हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ओके, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेड। पैट्रिक को अपना होमवर्क करना कभी भी पसंद नहीं था, इसकी जगह उसको बास्केटबॉल, हॉकी एंड नाइटेंडो खेलना ज़्यादा पसंद था। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर कहती थी, Patrick, अपना होमवर्क करो और या फिर तुम कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। And it's true. Sometimes he did feels like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. और ये बात सच भी होती थी, क्योंकि उसको कभी कभी ऐसा फील होता था कि उसको एजुकेशन नहीं, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन है, या फिर वो थोड़ा मूर्ख है। लेकिन वो क्या कर सकता था, उसको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने पाया कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है और उसने उसको पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टिनिएस्ट यानी स्मॉलेस्ट साइज। लेकिन वो कुछ भी एक तरीके की डॉल नहीं थी, वो एक छोटा सा मैन था। टिनिएस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा वो एक आदमी था, सबसे छोटा। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिजेस एंड अ हाई टेल हैट मच लाइक अ विचेस। विचर्स अर्चमैन अगली वूमेन, उसने एक पुराने ज़माने की ऊन की एक शर्ट पहन रखी थी जो ओल्ड फैशन शर्ट थी, और एक हैट पहन रखी थी जो कि एक जैसे जस्ट लाइक अ चुड़ैल वगैरह होती है, मूवीज़ वगैरह में देखते हैं जैसे चुड़ैल की हैट्स होती हैं, विचेस की हैट्स होती है बड़ी लंबी सी, तो उसी तरीके से जैसे इस पिक्चर में शो करी गई हैं उसी तरीके से उसने एक हैट पहन रखी थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे उस कैट को वापस मत दो, मैं तुम्हें एक विश यानी एक वरदान दूंगा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं वापस कर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम ऐसा करोगे। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक को यकीन ही नहीं हुआ वो कितना ज़्यादा भाग्यशाली है, लकी है, और ही वॉज, और उसके सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन उसको मिल गया था। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन उसके लिए उसने क्या विश मांगी कि तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा, जितना भी सेमेस्टर का होमवर्क है जो कि 35 days का है वो पूरे एंड तक तुम्हें उसका सारा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट A's, अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो मुझे A मिलेगा। A इन द सेंस कि भाई आपको A मार्क्स होता है, ग्रेड होता है, तो A ग्रेड मिलेगा। द लिटिल मैंस फेस ब्रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्बर। जो लिटिल मैन यानी जो छोटे आदमी का जो फेस था, ब्रिंकल इट्समिन झुरियो वाला फेस, तो वो ऐसा था डिश क्लोथ, यानी डिश क्लोथ मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जो हम डिश हम धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उनको पोछने पर जो कपड़ा काम आता है तो डिश क्लोथ वो, एंड थ्रोन इन अ हैम्पर। हैम्पर इट्स समथिंग लाइक अ बास्केट विद अ लिड, लिड इट्समिन मतलब एक तरीके की बाल्टी या फिर एक ऐसी बास्केट समझ लो जिसके ऊपर एक लिड, लिड यानी उसका एक कवर करने का होता है, जस्ट लाइक हमारा डस्टबिन होता है कि उसका ऊपर का कवर करने के लिए भी होता है। तो उसका जो फेस था वो ऐसा लग रहा था कि एक डिश क्लॉथ को मतलब बर्तन साफ करने वाला एक कपड़ा जो कि एक हैम्पर में फेंक देते हैं, हैम्पर यानी एक डस्टबिन या फिर एक बाल्टी जिसके ऊपर ढक्कन होता है उसमें फेंक देते हैं, उसका फेस इस तरीके का हो गया था। ही किक्ड हिज लैग्स एंड डबल हिज फिस्ट एंड ग्रिम्स एंड स्कोल्ड एंड दी पर्स्ड हिज लिप्स। और उसने क्या करा, ही किक्ड हिज लैग्स, उसने अपने किक करा एंड उस फिस इस पर मुट्ठी बांधना, उसने अपने मतलब दोनों हाथों से मुट्ठी बांधी एंड ग्रिम्स एंड फेल, और अपना फेस जो है वो एक तरीके से मुंह बन गया उसका, और अपना जो उसने लिप्स है वो अपने लिप्स दबा लिए। ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, उसने कहा ओह
अच्छा मेरे को ये करना पड़ेगा। आई एम कर्स्ड, कर्स्ड मतलब होता है शापित, कि भाई मैं शापित हूँ, लेकिन आई विल डू इट, मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। फिफ्थ पॉइंट पे है हम, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पेट्रिक्स होमवर्क, और फिर वो अपने शब्दों पे खड़ा रहा, और वो छोटा एल्फ इट्समैन, एल्फ इट्समैन बोना या टेनियस, तो जो छोटा था उसने पेट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, मतलब सिर्फ एक ग्लिच को छोड़ के, ग्लिच इट्समैन जैसे यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग दे रखी, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, अ फॉल्ट इन द मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हिट्स हिंज एंड प्रॉब्लम्स। इट्स मेन के ग्लिच मतलब एक प्रॉब्लम थी उसको, या फिर एक समस्या को छोड़ के उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा काम करना स्टार्ट कर दूंगा। द एल्फ डिड नॉट अवे नो द व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, उसने कहा कि भाई एक प्रॉब्लम है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है, जिसकी वजह से उसको हेल्प की नीड थी। help me he did say and patrick would have to help in whatever way, usne kaha ki bhai mujhe help ki zarurat hai, meri madad karo, aur patrick hi uski help kar sakta tha kisi bhi tarike se. I don't know this word, the elf spat while reading पैट्रिक्स होमवर्क, उसने कहा मुझे ये वाला शब्द नहीं आता है, जब उसने उस बुक्स को या फिर उस नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करा। गेट मी अ डिक्शनरी, उसने कहा मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट आउट बाय द ईच लेटर्स, उसने कहा मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ और मुझे एक ऐसी बुक्स दो जो कि जो इसमें बेटर हो, और वो मैं इसमें सारे वर्ड्स को देख सकूँ, इनके मीनिंग्स देख सकूँ। When it come to the maths, जब वो maths पर आया, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf tricks. We elf never need that. उसने जब वो maths पर आया तो Patrick को बिल्कुल भी मतलब अंदाज़ा हो गया था कि वो इतना lucky नहीं है, क्योंकि इसमें timetables थे, and timetables क्या थे, and the elf strict it's mean give a short high pitch, ने कहा कि भाई मुझे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, elf ने कहा। and additions and subtraction and division and fractions, here sit down beside me, you simply must guide me, उसने कहा मेरे बगल में बैठ जाओ, मुझे इन सब चीज़ों बुक्स की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे बगल में बैठ जाओ, मुझे गाइड करते रहो, जैसे जैसे तुम मुझे बताओगे वैसे वैसे मैं करता जाऊँगा। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, जो एल्फ है यानी जो बोना आदमी था, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मानव इतिहास के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, तो उसके लिए एक तरीके से मिस्ट्री थी कि आखिर ये क्या है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, जो छोटा सा एल्फ था वो बहुत ज़्यादा शाउटर यानी बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, और वो उससे भी ज़्यादा तेज तेज लाउड मतलब उससे भी ज़्यादा तेज तेज चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, उसने कहा लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबें चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए, और तुम मेरी मदद करो इनको पढ़ने में भी। As a matter of fact, every day in every way, the little elf was nag. हर दिन जैसे जैसे बीतता गया, nag is means कि भाई एक ऐसा आदमी जो भी बहुत ज़्यादा trouble create करे, और मतलब ऐसे कि हर चीज़ में complain करे कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो मतलब जैसे जैसे time बीतता गया वैसे वैसे जो छोटा elf यानी जो बोना आदमी है वो nag बन गया था। nag is means मतलब हर चीज़ में कमियाँ निकालने लगा था। Patrick was working harder than ever and was a drag, जो Patrick है वो कहीं ज़्यादा मेहनत करने लगा था, जितनी उसने आज तक कभी भी मेहनत नहीं करी थी। He was staying up nights and never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry, वो रात रात भर जाग कर अपना काम करता रहा, सारी चीज़ें करता रहा, उसने कभी भी आज तक ऐसा महसूस नहीं करा था, उसकी आईज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पफ्ड हो गई थी, ब्लरी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा डल हो गई थी उसकी आईज, और ऐसा उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था स्कूल जाते समय। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, फाइनली अंत में लास्ट डे आ गया स्कूल का और एल्फ फ्री हो गया जाने के लिए। As for homework, there was no more, so he quickly and shyly slipped out of the back door. अब उसका कोई भी ऐसा homework नहीं बचा था जो करने के लिए था, सारा homework अच्छी तरीके से पूरा complete हो गया था,
तो वो फटाफट से शांति से और सीक्रेटली बैकडोर यानी पीछे के दरवाजे से स्कूल चला गया। पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक को उसके होमवर्क में ए ग्रेड मिला और उसके क्लासमेट से वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड इसमें सरप्राइज हो गए थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वॉज फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर ने स्माइल करा और वो उसने फुल ऑफ प्रेज यानी उसने बहुत ज़्यादा शाबाशी दी पैट्रिक को। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स को मतलब उसके जो माता पिता हैं वो ऐसे हो गए कि उनको समझ ही नहीं आया कि ऐसा पैट्रिक के साथ कैसे हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन हिज रूम्स, डिड ही चोज, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अभी क्या वो नया मॉडल के इट मीन सब बच्चों के लिए एक मॉडल बन गया था और उसने अपना रूम साफ करना स्टार्ट कर दिया एंड उसने सारा जो अपना काम है वो टाइम टू टाइम करने लगा। वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा, उसने कभी भी रूड से बात नहीं करी एंड ऐसा लग रहा था कि उसने अपने अंदर एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया, एक नई पर्सनालिटी उसने अपने अंदर डेवलप कर लिया। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड द टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। लास्ट में आते आते ही पैट्रिक को ऐसा लगा कि उसने ही कि जो छोटा मैन है छोटीनी मैन यानी छोटा आदमी है उसने ही सारा पैट्रिक का होमवर्क किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूँगी। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजेंट द एल्फ पैट्रिक हैड डन इटसेल्फ। इस होमवर्क को किसी भी एल्फ यानी छोटे आदमी ने नहीं करा, इस होमवर्क को पैट्रिक ने खुद ही करा है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट कमेंट डाउन, आई विल मेक श्योर टू गिव यू आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स।